बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा अपन ये पढ़ चुके हैं कि पादपों को अपने वृद्धि और विकास के लिए 17 खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उसी क्रम के अंतर्गत अपन प्रत्येक खनिज तत्वों का पादप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या आवश्यकता होती है पादप को, ये पढ़ रहे हैं। और आपका ये लेसन मेरे हिसाब से अगले 3 से 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, पाठ का नाम क्या चल रहा है अपने, खनिज पोषण। और जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, वो अपन पढ़ेंगे बेटा क्लोरीन की न्यूनता के लक्षण। क्लोरीन की न्यूनता के लक्षण ये पढ़ रहे हैं कि यदि पादपों को क्लोरीन की न्यूनता हो जाए तो उनमें कौन कौन से लक्षण डेवलप होते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे इसमें, इस तत्व की कमी से फलों का निर्माण एवं आकार कम हो जाता है। इस तत्व की कमी से फलों का इस तत्व की कमी से फलों का निर्माण व उनका आकार घट जाता है। मतलब फल है ना, क्लोरीन तत्व की कमी से छोटी साइज के उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जड़ों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ये भी बेटा क्लोरीन का ही दुष्प्रभाव है, जड़ों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। इसके अलावा और क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, साथ ही पर्णों में हरिमहीनता, और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हरिमहीनता को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाती है। मतलब पत्तियों का पर्णहरित नष्ट होने लगता है, या चितकबरापन, और अंत में ऊतक क्षय या पत्तियों में चितकबरापन और तो बेटा क्लोरीन तत्व की कमी से पादपों में कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख चुका हूँ। एक बार ध्यान से सुन लें, मैं ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अपना क्लोरीन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इस तत्व की कमी से फलों का निर्माण व उनका आकार छोटा हो जाता है। मतलब फलों का निर्माण रुक जाता है, यदि बनते हैं तो छोटे आकार के बनते हैं। उसके अलावा बेटा जड़ों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, साथ ही पर्णों में हरिमहीनता या क्लोरोसिस डेवलप हो जाती है। हरिमहीनता आप समझ गए होंगे कि पादप की पत्तियों के हरित लवक का नष्ट होना, ठीक है, या बेटा पत्तियां चितकबरापन प्रदर्शित करने लगती हैं। चितकबरापन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने आपके सामने कोई पत्ती बना दी, है ना, आपको पता है कि पूरी की पूरी पत्ती का कलर हरा होता है हरित लवक के कारण, पर चूंकि इस तत्व की कमी हो गई क्लोरीन की, है ना, तो देखो हरिमहीनता या क्लोरोसिस में तो पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है,
या सफ़ेद पड़ जाती है, या क्लोरोसिस की प्रक्रिया के कारण यदि इसमें एंथोसायनिन वर्णक निर्मित हो जाता है तो ये ना हल्के गुलाबी रंग की हो जाती है, हल्की नीली बोल दो, ठीक है। या फिर मान लो टुकड़ों में क्लोरोफिल नष्ट हो गया बेटा, जैसे इस स्थान विशेष का हरित लवक नष्ट हो गया, या इस स्थान का, या इस स्थान का, तो इन्हीं स्थानों पर बेटा धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, लगभग सफ़ेद, नीले सफ़ेद कह दो, हल्के गुलाबी कह दो। तो बेटा ये जो अवस्था हो गई इसको बोलते हैं चितकबरापन, ठीक है। और बेटा इसके अलावा ऊतक क्षय का प्रारंभ हो जाता है, तो क्लोरीन तत्व की कमी से पादपों में ये दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन खनिज पोषक तत्वों में लास्ट तत्व पे आ गए, और सबसे अंतिम तत्व कौन सा है बेटा, निकल। कौन सा? निकल। और भी होंगे तो देख लेंगे, फिलहाल तो निकल को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संख्या का एक्चुअली मुझे याद नहीं है कंफर्म, मैं हेडिंग देख लूँगा, और भी होंगे तो बता दूँगा। निकल, ठीक है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, डाल्टन ने 1988 में निकल को अनिवार्य पोषक तत्वों में शामिल किया। कौन से वैज्ञानिक ने बेटा? डाल्टन ने। डाल्टन ने निकल को 1988 में अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में शामिल किया। तो सबसे पहली बात तो आपको बेटा ये याद करनी है, क्या, कि डाल्टन ने निकल को 1988 में अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में शामिल किया। यह तत्व यूरियेज एंजाइम का प्रमुख घटक है, याद रखना पड़ेगा। कौन से तत्व की बात की जा रही है? निकल की। यह तत्व यूरियेज एंजाइम का प्रमुख घटक है। यूरियेज एंजाइम का प्रमुख घटक है, ठीक है। और इसमें यह भूमि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, भूमि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निकल तत्व की बात की जा रही है कि भूमि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, तथा जड़ों द्वारा शीघ्रता से Ni+2 आयन के रूप में अवशोषित होता है। कौन से आयन के रूप में अवशोषित होता है बेटा? Ni+2, ठीक है। आगे चलिए, इसके कार्यों तथा न्यूनता से उत्पन्न होने वाले लक्षणों की पूर्ण जानकारी नहीं है, कार्यों की व न्यूनता से उत्पन्न होने वाले लक्षणों की अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है, याद रखना पड़ेगा बेटा कि निकल तत्व के कार्यों का एवं न्यूनता से उत्पन्न होने वाले लक्षणों की पूर्ण जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी यह यौगिक नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवहन में सहायक होता है। प्राय नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवहन में सहायक होता है, ठीक है बेटा। तो आपको ना निकल के अंदर ये पूरी स्पीच याद रखनी है। अब क्या क्या लिखा है,
वो आप ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखकर सुन लीजिए, ठीक है। देखो, डाल्टन ने निकल को 1988 में अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में शामिल किया। यह तत्व यूरिएज एंजाइम का मुख्य घटक है। भूमि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बेटा पादप की जड़ें इस तत्व को Ni प्लस टू आयन के रूप में पूर्णतया अवशोषित कर लेती हैं। इस तत्व के कार्यों एवं न्यूनता से उत्पन्न होने वाले लक्षणों की पूर्ण जानकारी नहीं है, फिर भी बेटा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवहन में यह तत्व सहायक होता है। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवहन में यह तत्व सहायक होता है। तो ये पूरा हो गया बेटा निकल। अब न्यूनता के लक्षण, ठीक है, कौन से तत्व की न्यूनता? निकल। निकल न्यूनता के लक्षण, वैसे तो आपको बता ही चुका हूँ कि निकल के कार्यों एवं न्यूनता के कारण पादपों में होने वाले लक्षणों का अभी तक कोई विशिष्ट पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी इस तत्व की न्यूनता से पादपों में कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, इस तत्व की कमी से पादपों में हरिमहीनता, सबसे पहला लक्षण क्या लिखा बेटा? हरिमहीनता एवं ऊतक क्षय। ऊतक क्षय यानी कि ऊतकों का नष्ट होना उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नवोद्भिद पादपों की शक्ति कम हो जाती है। इस तत्व की कमी से नवोद्भिद पादपों की शक्ति कम हो जाती है। तो बेटा ये निकल के दुष्प्रभाव चल रहे हैं कि यदि पादपों में निकल तत्व की कमी हो जाए तो बेटा कौन कौन से दुष्प्रभाव पादप में दृष्टिगोचर होंगे वो चल रहे हैं। तो देखो, एक तो पादपों में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है, ऊतकों का क्षय होने लगता है, नवोद्भिद पादपों की शक्ति कम हो जाती है तथा जौ में निर्जीव बीजों का विकास होता है। एक पादप का मैं नाम लिख रहा हूँ, जौ में निर्जीव बीजों का विकास हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको निकल की न्यूनता के लक्षणों में पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा मैंने क्या क्या बोर्ड पे लिखा है कि देखो, निकल की न्यूनता के कारण पादपों में हरिमहीनता एवं ऊतक क्षय उत्पन्न हो जाता है। उसके अलावा नवोद्भिद पादपों की शक्ति कम हो जाती है तथा बेटा आपके सामने एक पादप का मैंने नाम लिखा है जौ। जौ में निर्जीव बीजों का विकास होने लगता है। तो ये ना निकल की कमी के कारण पादपों में उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव हैं, ठीक है बेटा। आगे चलिए, एक छोटा सा नोट मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो आपको याद करना पड़ेगा। संचरणशील तत्वों जैसे एन पी के एम जी प्रतीक लिख रहा हूँ, नाम तो आप जानते होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एवं मॉलिब्डेनम। जिंक एवं मॉलिब्डेनम की न्यूनता के लक्षण
न्यूनता के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं। याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं। कौन कौन से तत्वों के बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम। जबकि असंचरणशील तत्वों संचरणशील तत्वों, अब उनके नाम लिखने हैं बेटा। जैसे कौन कौन से तत्व बेटा? CuSFeMn, Cu कॉपर, सल्फर, Fe, ठीक है ना, तथा मैग्नीज आदि की न्यूनता के लक्षण, आदि की न्यूनता के लक्षण सबसे पहले तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं। सबसे पहले किन में प्रकट होते हैं? तरुण पत्तियों में, ठीक है ना, तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं। तो ये आपको दूसरा नोट याद रखना है, ठीक है। और उसी सेंस में मैं एक तीसरा नोट और आपके सामने लिख रहा हूँ। कैल्शियम तथा बोरन की न्यूनता के लक्षण, कैल्शियम व बोरन की न्यूनता के लक्षण कैल्शियम तथा बोरन की न्यूनता के लक्षण शीर्षस्थ कलिकाओं में, शीर्षस्थ कलिकाओं में सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। तो बेटा ये तीनों के तीनों नोट्स इम्पोर्टेंट हैं, छोटे प्रश्नों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों नोट्स याद करने हैं। एक बार मैं इन तीनों नोट्स को दोबारा से कह देता हूँ। देखो बेटा, संचरणशील तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम, इन तत्वों की न्यूनता के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा क्या लिखा है? असंचरणशील तत्वों जैसे कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज आदि की न्यूनता के लक्षण सबसे पहले तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है बेटा? कैल्शियम व बोरॉन की न्यूनता के लक्षण शीर्षस्थ कलिकाओं में सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। तो ये तीनों की तीनों बातें आपको याद करनी हैं, ठीक है। तो अब आप ये मान लीजिए कि अपन पादपों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक 17 के 17 अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं अपन ने। देखो, वास्तविकता में देखी जाए तो प्रत्येक तत्व में 3 चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। पहली चीज़ तो अपन ने पढ़ी है कि कोई तत्व विशेष किस आयन के रूप में पादपों द्वारा अवशोषित किया जाता है। दूसरी चीज़ अपन ने ये पढ़ी है कि उस तत्व की उस पादप के लिए क्या अनिवार्यता है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ अपन ने पढ़ी है कि उस तत्व की कमी से पादपों में क्या दुष्प्रभाव या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के लक्षण और इनकी कमी से पादपों में उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव, आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट पढ़नी हैं। अब अपन इस पाठ के अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बेटा अगला टॉपिक अपन कौन सा पढ़ेंगे?
खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। टॉपिक का नाम है ये खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि तो क्या पढ़ोगे इसमें आप, पादपों द्वारा मूल से खनिज लवणों का अवशोषण आयंस के रूप में होता है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट लाइन, क्योंकि कई बार ये चीज़ कंपटीशनों में पूछी जाती है कि पादपों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण मूल से किस रूप में किया जाता है, तो आपको उसमें आंसर क्या बोलना है बेटा, आयंस के रूप में। तो ये लाइन मैं लिख रहा हूँ, देखो, पादपों की मूल द्वारा मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में किया जाता है, आयंस के रूप में। बहुत इम्पोर्टेंट, आयंस के रूप में किया जाता है, ठीक है। यह क्रिया प्राय मूल के विभज्योतक क्षेत्र व दीर्घीकरण क्षेत्रों द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया प्राय मूल के विभज्योतक क्षेत्र व दीर्घीकरण क्षेत्रों द्वारा संपन्न होती है, मतलब परिपक्वन क्षेत्र का इसमें कोई विशेष रोल नहीं होता है। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि दो हैं। देखो बेटा, इसके अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे निष्क्रिय अवशोषण, दूसरा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा सक्रिय अवशोषण। एक बात अभी फिलहाल आप सुन लीजिए, देखो खनिज अवशोषण की प्रक्रिया जनरली जल के अवशोषण के साथ साथ पैरेलल चलती है, लेकिन बेटा आप ना जल अवशोषण की क्रिया को खनिज अवशोषण की क्रिया से बिल्कुल मत मिला देना, ठीक है। अब जैसा कि कल से आपको मैं पढ़ाऊंगा, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया दो प्रकार की होती है ना, एक तो होती है बेटा निष्क्रिय खनिज अवशोषण और दूसरी होती है सक्रिय खनिज अवशोषण। दोनों में सबसे प्रमुख अंतर यही होता है बेटा, वही बात जैसे अपन ने जल अवशोषण में पढ़ी है कि भाई निष्क्रिय प्रकार के अंतर्गत तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सक्रिय प्रकार के अंतर्गत खनिज लवणों का अवशोषण ऊर्जा खर्च करके होता है। तो बेटा अपन को ना निष्क्रिय खनिज अवशोषण में भी उसके प्रकार पढ़ने हैं और बेटा सक्रिय खनिज अवशोषण में भी प्रकार पढ़ने हैं। तो सारे के सारे खनिज पोषक तत्व खत्म कर दिए हैं, सीट में सारे के सारे टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना और कल की क्लास से अपन स्टार्ट कर देंगे खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक है।